आज हूल दिवस है। इस हूल दिवस के अवसर पर अरुण राव, सिद्धू कान्हू उनको अभी मल्यार्पण कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर समाज के एक एक व्यक्ति को मैं ये कहना और बताना चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति इनकी जो मानसिक स्थिति थी कितना ऊंचा था, कितने महान था। उस महान सोच और विचार और बुद्धि के साथ में जो लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, जो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। जो खेत वगैरह लगान था, वो खेत वगैरह जो लगान था उनके विरोध ये लड़ाई लड़े थे, क्योंकि खेत अपना, जमीन अपना, देश अपना और सब कुछ अपना होते हुए भी हमारा जो टैक्स लेते थे अंग्रेज लोग, दूसरे लोग लेते थे और बहुत सारे और भी अत्याचार और अन्याय करते थे। तो इस जो हूल दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, जो 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 400 गांव के करीब 50,000 से अधिक लोगों ने इस विद्रोह में शामिल हुए थे। भोगनाडी गांव में ये जंग के ऐलान किया गया और जंग शुरू हुआ। इस जंग में हमारे आदिवासियों ने अपने देश की रक्षा के लिए 20,000 से भी अधिक बलिदान दिए थे और इन बलिदान जो दिए थे, इनका नेतृत्व सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में चल रहा था। इनका अगुवाई बहुत अच्छा था। इनकी अगुवाई में देखिए कितने लोग आते थे और यहाँ पर इनका एक नारा था, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। मतलब अंग्रेज को कहते थे कि ये हमारी धरती है, हमारी जमीन है, हमारा माटी है, इस माटी आइए, माटी आपका नहीं है, ये हमारी माटी है, आप इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। और कहते थे, और ये एक और भी अंग्रेजों के खिलाफ या बुलंद आवाज़ किए थे, करो या मरो। मतलब हमें कुछ करना है या मरना है। मतलब परेशान सा हो गए थे और परेशान होने के साथ वो लोग विचार कर लिए कि इनके साथ हमको लड़ाई लड़ना ही होगा। अपने लोगों के पास साधन ना होते हुए भी उनके साथ में अपना जान को बलिदान दिए। आज शहीद हुए उन तमाम लोगों को याद करते हुए मैं आज इस शहीद दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इन लोगों का चित्र, इन लोगों का फोटो प्रत्येक घर में होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे फोटो वगैरह जो कि हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है, हमारे सरना धर्म के विपरीत है, उन सब का जो हम फोटो या चित्र वगैरह रखते हैं, पर इन लोगों का हम नहीं रखते हैं। हमारे संस्कृति और हमारे रीति रिवाज और अपना सरना धर्म को बचाने के लिए, अपने सरना धर्म एकत्रित और संगठित और मजबूती प्रदान करने के लिए हमको सभी को एक होना होगा, सभी जनजातियों को एक होना होगा और एक होते हुए प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में आए। आज बहुत सारे कहते हैं कि सरना में पहले के लोग नहीं जाते थे और सरना में हमारी महिलाएं नहीं चढ़ती थी। अरे यही नहीं चढ़ने और नहीं जाने के कारण ही आज क्या हर्ष हो रहा है, क्या परेशानी हो रहा है, क्या दुख हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रहा है, कैसे संगठन हमारे साथ बिगड़ते जा रहे हैं और कैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं। संगठन के लिए रोज़ अभी कहने की जैसा संगठन तैयार हो रहा है, टूट रहा है, संगठन बन रहा है, तैयार हो रहा है, टूट रहा है।
आज अपने लोगों के द्वारा ही आज हमें आपस में ही लड़ना पड़ रहा है, अपने लोगों के द्वारा ही हमको लड़ना भिड़ना पड़ रहा है। ये जो तिलका मांझी है, इस तिलका मांझी का आप इतिहास पढ़िए, उनके अंदर में क्या माइंडसेट था और कितना महान काम किए हैं। तो महान काम करने के लिए हमको इस बात को भी जानना होगा, फूलों और झानों जो बहन थी वो बेहतरीन तरीका से अगुवाई करते हुए, जान का परवाह ना करते हुए, अंग्रेजों के शिविर में घुसकर 21-21 अंग्रेजों को मार या काट डाला था। तो ऐसे साहस था। आज भी हमारे बहनों में बहुत सारे साहस और हिम्मत है। आज देखिए, मैं आदिवासी समाज सरना समाज का काम कर रहा हूँ, और सरना समाज को किस प्रकार से लोगों के अंदर में एक डर, एक पखंड, एक प्रकार से अंधविश्वास, तरह तरह के दोषिता घुसा दिया गया। पर आदिवासी सरना धर्म एक महान धर्म है, बहुत सहज धर्म है और बहुत ही आसान धर्म है। और इस धर्म में प्रकृति के अनुसार पूजा पाठ है, प्रकृति के अनुसार हमको जीने और खाने और पीने और रहने और उठने बैठने सोने तमाम चीज़ को आज हमको प्रकृति के अनुसार ही हमको करना होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा। और ये जरूर हमको तय करना होगा कि अगर आप आदिवासी हैं तो हमारे जो महान पुरुष है, उन महान पुरुषों का चित्र और उनका फोटो प्रत्येक घर में होना चाहिए, प्रत्येक घर में होना चाहिए। तो ये जनगणना आ रही है, जनगणना से पहले आप कहीं से भी व्यवस्था कीजिए और अन्य प्रकार की जो आपके घर में फोटो वगैरह है उनको साइड कर दीजिए, उनको हटा दीजिए, और इन महान पुरुषों का आज हमें फोटो लगाने की ज़रूरत है। जैसे कार्तिक बाबा, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, हलधर गिलधर, अपना बहुत सारे ऐसे, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रही है क्योंकि मैं अभी इस समाज के बीच में अभी एक काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इस प्रकार के चित्र प्रत्येक घर में रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे के अंदर भी प्रेरणा हो सके कि ये लोगों ने समाज के लिए, इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान दी, तो हम भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, संस्कृति रीति रिवाज को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए सुंदर संगठन करें, किसी अन्य प्रकार से लड़ाई भिड़ाई करने के लिए नहीं, अच्छाई के लिए लड़ाई करने के लिए, अच्छाई को संगठित, अच्छा के लिए हमको संगठित होने की आवश्यकता है। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि इन जो महान पुरुषों का, इनका जरूर चित्र लगाएं। बिरसा मुंडा है, वो अपने अपने जो थे वो कितना महान काम किए, इनका फोटो लगाए। अंत में मैं इस हुल दिवस के अवसर पर हुल क्रांति में बलिदान देने वाले आदिवासियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।